नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ जया मिश्रा। कर्नाटक का जनादेश आज बीजेपी को मिलने जा रहा है। रुझानों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी है। रणनीति बनाने की पूरी कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को अब तक बढ़त मिल रही है। बीएस येदियुरप्पा दोपहर 3 बजे फ्लाइट लेकर दिल्ली आएंगे। यहां पर वो मुलाकात करेंगे अमित शाह से और प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के लिए अब अगली रणनीति बीजेपी की क्या होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी अपने घर के पिछवाड़े के मंदिर में नहीं गए। उनका बड़ा बयान, देश की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। विकास की ये यात्रा लगातार ऐसे ही चलती रहेगी और कर्नाटक विधानसभा के लिए वोटों की काउंटिंग सुबह से ही जारी है। रुझानों में बीजेपी को 109, कांग्रेस को 70 और जेडीएस को 41 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और जश्न देख सकते हैं आप किस तरीके से कार्यकर्ताओं में ये खुशी है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कार्यकर्ताओं में जश्न की खुशी कितनी दिखाई दे रही है, किस तरीके से इस सफलता को सेलिब्रेट किया जाए, कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं। पार्टी मुख्यालय सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं क्योंकि इस जीत को पाने में जितना हाथ अमित शाह की रणनीति का है, जितना मोदी मैजिक का है, उतना ही कार्यकर्ताओं का भी है। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई, जनता का उनका स्नेह, उनके कार्यों के प्रति विश्वास का परिचय है हमारी ऐतिहासिक विजय। आज का दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मेहनत की एक एक कार्यकर्ता के साथ और पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाई, उस मेहनत की विजय, युगांतकारी विजय को विश्वास के साथ पूरा किया है। आज के दिन हम बहुत ही विनम्र हैं। हम कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करेंगे। कौन प्रधानमंत्री के बनने के सपने क्या देखता था। आज का दिन काम करने का दिन है। हम ईमानदारी से कर्नाटक को केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। टुडे इज अ हिस्टोरिक डे फॉर बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर्स कॉल दैट इंडियन पॉलिटिक्स विल हैव टू बी गाइडेड बाय नथिंग अदर देन डेवलपमेंट एंड लुकिंग एट अपलिफ्टिंग पीपल फ्रॉम द बॉटम मोस्ट लेयर। सबका साथ सबका विकास एंड लुकिंग एट एवरी आर्ग्यूमेंट with a positive angle that development alone can remove many of the hurdles which stop us from reaching higher levels. And that note is what the people of Karnataka have favored. Karnataka भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पहले से ही बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। आज परिणाम निकले हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी को। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, वहाँ पूरा वो प्रदेश जो है वो कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। और उसी दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के चुनाव के पश्चात नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य और नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के बाद, उन 3 राज्यों के चुनाव के बाद, कर्नाटक एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा किया था विपक्ष के सब लोगों ने कि यहाँ नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी ये हो गया। कर्नाटक की जीत तो ऐतिहासिक है, देश की दिशा तय करने वाली है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे देश में खिलेगा, ये संकेत लेकर आई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का फिर से सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, ये इस बात का संकेत लेके आई है। हिंदुस्तान में खुशहाली का, विकास का, डेवलपमेंट का एक नई तस्वीर लेकर आने वाली है। कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस कुशल संगठन क्षमता का उन्होंने ताकत दिखाया, आखिरी बूथ तक के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया, ये अद्भुत विजय का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। येदियुरप्पा जी के कुशल नेतृत्व में जो 5 साल पहले जो काम हुआ था और किसानों के बीच उनकी जो छवि है,
शिकारपुरा में उनके गांव गया था, चुनाव अभियान में मैं बेंगलुरु गया था, उस समय से मुझे लग रहा था ऐसा वातावरण, ऐसा जोश खरोश मैंने देखा था कि मुझे उस दिन से एहसास हुआ कि एक बड़ी जीत होगी। संदेश स्पष्ट है कि देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की लहर जो 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई है वो कर्नाटक में भी चल रही है, आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चलेगी और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा की मोदी जी की लहर इसी प्रकार से रहेगी और कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर देश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस का शासन था और स्वाभाविक रूप से चुनाव जो होता है वो वर्तमान शासन के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को नकारा, इसका मतलब कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार थी उससे जनता में सेटिस्फेक्शन नहीं था, किमोना सरकार के प्रति रोष था, भ्रष्टाचार के प्रति रोष था और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपेक्षा निर्माण हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हमने भारत सरकार के रूप में किया है उसको एक प्रकार से जनता ने समर्थन किया है और उसके साथ साथ फिर से एक बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है और मेरा विश्वास है कि कर्नाटक की जनता हमारी सरकार पूरी करेगी और निश्चित रूप से कर्नाटक एक विकसनशील राज्य में के रूप में देश में आगे जाएगा। और जो बात हम कह रहे थे लगातार कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो कर्नाटक उसमें से ऐसी कड़ी है कि ये बात को लगभग सिद्ध होने के बाद तरफ ये जारी है। अब लगभग देश के किसी महत्वपूर्ण राज्यों में पंजाब को छोड़कर कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस की स्थिति एकदम ऐसी हुई है कि आज वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले 19 के चुनाव में अब हम निश्चित रूप से विजय होंगे, ये मेरा विश्वास है। एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई। अगर पंजाब में वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छे हैं और कर्नाटक में हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। मुझे लगता है ये बात जो है, एक बार ये राजनीतिक परिपक्वता का दिशा दर्शक नहीं है। हम लोकतंत्र में है, कभी जीत होती है कभी हार होती है। अगर जीत होती है तो नम्रतापूर्वक स्वीकारनी चाहिए और हार होती है तो उसको बड़े दिल से स्वीकारना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार की चर्चा में कुछ दम नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान तो बीजेपी का लगातार यही कहना है कि मोदी के नेतृत्व पर जनता अपना भरोसा जता रही है। अमित शाह की रणनीति, मोदी की सोच लगातार, अब 22 ये 22वां राज्य है जहां पर बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और इस पर कर्नाटक चुनाव को पूरे तरीके से समझने के लिए कि वहां क्या रणनीति आखिर रही है, किस तरीके से यहां पर बीजेपी का फैक्टर काम कर रहा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी को सफलता एक और मिली है, अगर राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, अब राहुल गांधी आखिर कहां चूक रहे हैं, कैसे वो इसकी समीक्षा करेंगे? नहीं देखिए जया, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत पहले ही बोला था कि बीजेपी का जो गेम प्लान है वहां पे 113 सीट चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो प्लस माइनस 10-12 का जो है मैंने वहां पे अपनी फोरकास्टिंग की थी एंड एग्जैक्ट द रिजल्ट इज कमिंग। अच्छा, सेकंड चीज आप ये देखिए, सवाल ये है, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि बीजेपी क्यों हर जगह परफॉर्म कर रही है। इसकी सबसे खास बात क्या है ना कि बीजेपी के पास एक ट्राइलेयर त्रिस्तरीय जो है इन लोगों का काम करने का तरीका है। 2014 के बाद जो चेंजेस लाने चाहिए, 2014 के बाद इलेक्शन लड़ने का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो पूरा का पूरा बदल गया है। आप ये देखिए, आज के 15-20 साल पहले जो इलेक्शन होते थे, जो वोटरों की वो पीढ़ी थी आज बुजुर्ग होके वो मर गए। आज जो फ्लोटिंग वोट होता है उसमें यंगस्टर्स आ गए हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, इंफॉर्मेशन की सारी चीजें हैं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज कॉन्सेप्ट ये चेंज हुआ है इलेक्शन में, एक्सपीरियंस वर्सेस इनोवेशन।
आज पॉलिटिकल कैंपेन को मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज हारते चले जा रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। कांग्रेस सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पार्टी है, लेकिन उसकी हालत क्या हो गई है। आज सवाल यह है कि आप इनोवेटिव तरीके अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते हैं इलेक्शन में, जनता को लुभाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए आप क्या क्या तरीका अपनाते हैं। तो जो मुझे कमी नजर आती है, मैं बोलता हूं कि बीजेपी की इसमें यूएसपी केवल ये है कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पे ये दोनों जगह कवर करते हैं, और उसके साथ साथ ये गलत एजेंडा वगैरह ये चीजें नहीं करते हैं। जिस एजेंडा को ये लाते हैं वाकई में वो पब्लिक की नब्ज होती है। ये काम अभी जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, मुझे उनका स्टेट ऑफ माइंड ये लगता है 25 साल पुराना वाला, जैसे कैंपेन होता था कि बड़े नेता गए, उन्होंने भाषण दे दिया और सारी जनता झुक जाती थी, तब अखबार वगैरह नहीं होते थे। आज फर्क ये है कि आज जनता अपने आप एनालाइज करती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसके पास गूगल है, ये है, सारी चीजें हैं। तो अब विपक्षी पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि कुछ भी बोल देने से, कुछ भी मुद्दा बना लेने से, या केवल मीडिया मैनेज कर लेने से हम इलेक्शन जीत जाएंगे, रैली कर लेने से जीत जाएंगे, वो नहीं है। इसका ताजा एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने यूपी इलेक्शन में किया था। सारी पार्टियां खूब ढेर सारा पैसा और सारी चीजें सोशल मीडिया, मीडिया इन सब चीजों पे कर रही हैं, कैंपेनिंग पे, रिजल्ट फिर भी क्यों नहीं फेवरेबल आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आपको बहुत व्यवस्थित और संगठित तरीके से माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे चलना होगा और हर चीज को करना होगा, और अपने दिमाग से ये चीज हटा देना होगा कि इलेक्शन के एक महीने पहले हम नेताजी की तरह निकलेंगे, कैंपेन कर देंगे और जीत जाएंगे। आपको रोज काम करना होगा, रोज जो है आपको पब्लिक के बीच जाना होगा, डेली बेसिस पे आपका अपोजिशन जो आपके ऊपर अटैक करना कर रहा है आपको उसको नलीफाई करना होगा डे टू डे बेसिस पे। अगर आज आप काम नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स में आपके लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसी का रुख करते हैं। रुझानों में बीजेपी को 108, कांग्रेस 72, जेडीएस 40, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक की जीत पर खुशी जाहिर की है, ट्वीट किया कि अमित शाह का जादू एक बार फिर चला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अमित शाह का जादू एक बार फिर चला है, कर्नाटक में बीजेपी की जीत पक्की हो चुकी है और हर कोई खुशी यहां पर जाहिर कर रहा है। रुझानों में बीजेपी को 108, कांग्रेस 72 और जेडीएस 40, ये स्थिति रुझानों की हम आपको बता रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमित शाह का आभार जताया है और ट्वीट कर कहा है कि एक बार फिर से अमित शाह की रणनीति कामयाब हो गई है। यहां पर एके मिश्रा जी, जिस तरीके से ईवीएम को दोष दिया जा रहा है, लेकिन अगर ये बात सही है कि अगर पंजाब में आप जीत सकते हैं तो ईवीएम वहां पर सही है, लेकिन कर्नाटक में हारते हैं तो ईवीएम खराब है, आखिर ईवीएम को दोष देना कितना सही है? नहीं देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर वाकई में आप आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो ये जो बहानेबाजी होती है इन सब चीजों को छोड़िए। बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी जो है बीजेपी अपना रही है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, वो सक्सेसफुल हो रही है, जो कि अभी पिछले सेशन में बताया था। मैं ये बोलूंगा कि जब आप जीतते हैं तब आप ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, जब हारते हैं तो लगाते हैं। और अगर इतना ही ईवीएम में वाकई में कोई दोष है तो इतनी बड़ी बड़ी रैली, पार्टियां, विरोध प्रदर्शन आप करते हैं तो सारा विपक्ष एक होकर क्यों नहीं ईवीएम में ये शिकायत है इस चीज को लेके गवर्नमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, या जो और न्याय के लिए जो संवैधानिक जो प्रोसीजर है, जो संस्थाएं हैं, वहां पे अपील क्यों नहीं करते? टीवी पे बोल के आप चले जाएंगे। अगर आपको ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, आपको बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाना है, तो एक सीरियस अप्रोच अपनाइए और उसको चेंज करिए, अदरवाइज आप ऐसे बोलते रहिए। ये सब केवल ये चीजें हैं कि अब हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। पार्टी में कोई मानेगा नहीं कि हाँ भाई, मेरी पार्टी के जितने भी आला कमान के लीडर है, क्या कोई बोलेगा कि हाँ जी मेरी गलती से ये हुआ या हमारी पार्टी की गलती से हुआ? तो अब क्या करें, गलती किसकी हुई? गलती ईवीएम की हुई जी, सब बच गए उसमें, किसी के ऊपर कोई जो है आरोप भी नहीं आया कि जी इन्होंने गलत किया था। तो इन सब चीजों से अब निकलना चाहिए। और बहुत ही देखिए, मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अभी भी अपॉर्चुनिटी जो विपक्ष है, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियों के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप काम को अच्छे तरीके से करेंगे, स्ट्रेटजिक वे में करेंगे, एक महीने पहले आप इलेक्शन वो लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा सर। आपको साल भर काम करना है, हर दिन आपको काम करना है, तब जाके आपकी पकड़ और एक साइकोसोमेटिक जो बॉन्डिंग होती है, जो साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होती है सोसाइटी में और वोटर के साथ, वो तब होगा। साल भर आप अपने घर में बैठे रहोगे, उसके बाद एक महीने पहले निकलोगे, तो वोटर के साथ आपकी बॉन्डिंग कहां से हो पाएगी? तो ये चीज है।
अगर एके मिश्रा जी, अगर ये बात की जाए कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी रही है कर्नाटक चुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि मठ मंदिरों का ये राज्य है और यहाँ पर हिंदुओं पर वार भी किया गया था जिसको बहुत पुरजोर तरीके से आरएसएस के लोगों ने उठाया था, तो उनकी भूमिका को कितना इसमें सफल माना जाए? नहीं देखिये जय, यहाँ पे आरएसएस का जो फुट सोल्जर है, जो इनके मतलब मेंबर्स है जी, बीजेपी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आरएसएस को हटा दें तो बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। आप इसको वार की देखिए, जैसे आप देखिए वियतनाम और अमेरिका का वार हुआ था, आप एरियल अटैक यानी मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू कितना भी कर दीजिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे पकड़ कौन बनाएगा? ग्राउंड लेवल पे आपके पार्टी के वर्कर बनाएंगे। आरएसएस के अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 million जो है मेंबर्स है ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं, तो इनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि एक एक घर जाना, एक एक वोटर को समझाना कि भाई बीजेपी का एजेंडा क्या है, ये क्यों दूसरी पार्टियों से अच्छी है। अच्छा देखिए, आदमी का नेचर या वोटर का नेचर कैसा होता है, साइकोलॉजी देखिए, जब एक ही चीज को बार बार आपको बोला जाएगा कि भाई बीजेपी अच्छी है दूसरे खराब है, तो कन्विंस होने में उनको टाइम जरूर लगता है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी लगभग 1.5 साल पहले सारी कैंपेनिंग शुरू कर देती है ग्राउंड लेवल पे, किसी को पता चले या ना चले, दूसरी पार्टियां केवल 1 महीने 2 महीने पहले सब लोग निकलते हैं। तो आरएसएस की तो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वोटर्स दूसरी पार्टियों के जो वोटर्स हैं उनको तोड़ना, अपने में जोड़ना, जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ये आरएसएस के वर्कर ही करते हैं। एके मिश्रा जी, दूसरी चीज यहाँ पर ये भी देखने को मिली कि जिस तरीके से अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो लगातार गुजरात मॉडल पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन उनका कर्नाटक मॉडल इस तरीके से ध्वस्त होगा किसी ने सोचा था क्या? नहीं जय, देखिए मैं आपको बताऊं, दो डिफरेंट चीजें हैं और पहले मेरे को भी ऐसा लगता था। देखिए अगर आप डायनामिक्स को एनालिसिस करें ना, तो जो कंट्री की रियल ग्रोथ होती है, चाहे वो गुजरात मॉडल हो चाहे कर्नाटका मॉडल हो, डेफिनेटली मैं इस चीज को भी मानने के लिए तैयार हूं कि कर्नाटका में भी काफी डेवलपमेंट हुई, गुजरात में भी हुई, सारे स्टेट में हुई, लेकिन होता यह है कि जो इलेक्शन होता है वहां पे आप ये देखिए, वो 1 महीने का जो फेज होता है ना, वहां पे बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं, जो रियल यार्डस्टिक होते हैं, पब्लिक उनको नहीं सोचती। आप इसको एग्जांपल ऐसे लीजिए कि अगर नॉर्मल डेज में आपको कलर लग जाए या कीचड़ पड़ जाए तो आप बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन होली के दिन आप उसको एंजॉय करते हैं और सारे पैरामीटर भूल जाते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे जो ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनता है वो बहुत इमोशनल और अपीलिंग होता है। उस भावना में, उस पॉलिटिकल भावना में जो भावनात्मक एक प्रेशर पड़ता है वोटर्स के ऊपर, बहुत सारे जो रियल डेवलपमेंट के जो मुद्दे होते, देखिए सारी गवर्नमेंट में करप्शन का मुद्दा है, अब आप ये देखिए संसद में 30-35% दागी नेता है, कर्नाटक में भी अब की बार सारी पार्टियों ने दागी नेताओं को जो है टिकट दिए, लेकिन वो जीत भी गए। वो क्यों जीत गए? क्योंकि यहाँ पे नेशनल लेवल पे जो मुद्दा चला, मोदी जी की जो इमेज है बीजेपी वगैरह की, तो वो मुद्दा प्रधान हो गया, बाकी के जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। यही कर्नाटक में हुआ। कांग्रेस डेफिनेटली ये बोल रही थी कि हमने विकास बहुत किया, लेकिन इनके विकास के मुद्दे को लगता है ये उतनी अच्छी तरीके से, उतने क्वांटिटी, क्वालिटी और उतनी डेंसिटी में ये जो है उसको पुश नहीं कर पाए पब्लिक के ऊपर, और उसके ऊपर जो बीजेपी के मुद्दे थे वो मुद्दे ओवरलैप कर गए, हावी कर गए। तो ये एक रीजन रहता है इलेक्शंस में डिसीजन मेकिंग को लेके कि वोटर किसको जो है अपना फाइनल जाके चुनता है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर राहुल गांधी की बात की जाए या पूरी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो वो आरोप लगा रहे थे कि पैसों के बल पे इसे जीता गया है, धनबल बनाम जनबल का ये चुनाव होगा, लेकिन धनबल तो आपने भी लगाया, मठ मंदिर आप भी गए, लेकिन असर क्यों नहीं दिखा? देखिए सवाल ये है कि अब आप एग्जाम में फेल हो जाइए तो आप बोलिए कि मुझे बुखार हो गया, ये हो गया, देखिए कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। विपक्ष में होने के नाते, वो बीजेपी है तो बीजेपी भी, जैसे बीजेपी बोलती है कि जी इसके पहले कुछ विकास नहीं हुआ, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ, विकास कम हुआ ज्यादा हुआ वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले सृष्टि नहीं थी या सड़कें नहीं थी, रोड नहीं था, स्कूल नहीं था। तो सवाल ये है कि जब आप इलेक्शन में हार जाते हो, और ये एक नेसेसरी इविल, आवश्यक दोष मानिए, यहाँ पे सवाल ये है कि पब्लिक में जाकर के जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं वो ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर वो अपना मंथन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपस में कि हमारी ये गलती थी। तभी देखिए सिद्धारमैया जी ने आज अभी क्या बोला कि अगर कोई दलित आता है मुख्यमंत्री बनता है तो मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। ये चीज आप 2 दिन पहले तक क्यों नहीं बोले थे? वो इसलिए नहीं बोले थे कि सिद्धारमैया जी को लगा कि मैं हार रहा हूं और हारने के कारण मेरी सारी इमेज जो है बर्बाद हो जाएगी और पार्टी के अंदर भी मेरी इमेज बर्बाद हो जाएगी,
तो वो शहीद हो करके, वो त्याग हो करके अपनी चीजों को बचाना चाहते हैं। तो इससे इलेक्शन नहीं जीता जाएगा, कहीं ना कहीं एक रणनीतिक तौर पे अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, रोज काम करने की जरूरत है। और एक चीज और देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये स्ट्रेटजी होती है जिसके बल पे आप कोई युद्ध, इलेक्शन या कोई इवेंट जीतते हो, ना कि उसका जो है मीडिया प्रोपोगंडा वगैरह ये सब चीजें करने से। वो आवश्यक चीजें हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी गलत है, माइक्रो लेवल पे आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो आप कितना भी जो है आप प्रोपोगंडा कर लीजिए, सोशल मीडिया यूज कर लीजिए, आप नहीं जीत पाएंगे। और यही हर इलेक्शन में हो रहा है, जो विपक्षी पार्टियों को आप सोचना चाहिए, उनको अपने अप्रोच को अब चेंज कर देना चाहिए। 15 साल पहले वाली रणनीति अब आज के डेट में नहीं चलने वाली है। चलिए, अकेले तो ये रणनीति बना रहे थे तो हर जगह हार रहे थे, गठबंधन में आने के बाद भी अगर हार होती है तो 2019 में ये कैसे जीत जाएंगे और इसका सपना कैसे देख सकते हैं ये? नहीं देखिए, 2019 अभी काफी आगे है, सबसे बड़ा इनके लिए, गठबंधन के लिए चैलेंज होगा। चैलेंज वो ये होगा कि एक छोटी सी फैमिली में आप ये देखिए, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे वगैरह सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आइडियोलॉजिकल नहीं आ पाते हैं। तो जहां 25-50 पार्टियां आएंगी और सारी पार्टियों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनके मुद्दे, उनके प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, क्या ये सब लोग मिलके एक कॉमन एजेंडा बना के, कॉमन आइडियोलॉजी बना करके करेंगे इलेक्शन, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटजी क्या होगी? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनको जो चैलेंज आएगा कि हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी जी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ममता बनर्जी अपने आप बोल रही हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, मायावती जी खुद रेस में हैं, अखिलेश यादव ने भी बोला था कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर बने जो है तो हम ये करेंगे। यहाँ सारे लोग, शरद पवार जी महाराष्ट्र से हैं, वहां पे ये है कि भाई मराठा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको ये कैसे सुलझाते हैं? मुझे लगता है कि इस खिचड़ी को सुलझाना विपक्ष के लिए अभी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज और है, जब सब लोगों को एक तरीके से हार का डर लगता है तो अपने सारे पर्सनल मुद्दे छोड़ करके सब यूनाइट भी हो जाते हैं, तो हो सकता है ये सब यूनाइट भी हो जाएं। लेकिन अगर ये यूनाइट होंगे तो, मैंने एक वर्ड यूज किया था, कोलेटरल डैमेज, अगर ये यूनाइट होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक में ये मैसेज बहुत इफेक्टिवली चला जाए कि देखो जी, केवल बीजेपी को हराने के लिए सारे लोग यूनाइट हुए हैं और बीजेपी इस मुद्दे को इनकैश करेगी, तो वहां पे भी हो सकता है कि बीजेपी 2019 में जीत जाए। देखिए, अभी एक साल का टाइम है, इस एक साल में बीजेपी इतने गजब के तरीके से तैयारी करेगी, जो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि जितना पेन पब्लिक को, अनडाउटली पब्लिक को पेन हुआ है, जितने दुख दर्द हुए हैं, वो जैसे सब्सिडी दे देना, चीजों को सस्ता कर देना, बहुत सारी ऐसी उज्ज्वला योजना जो इन्होंने चलाई थी, मैं सिंगल आदमी हूं बोलने वाला कि वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई थी, क्यों उन्होंने इलेक्शन के पहले ये चीज उज्ज्वला योजना चलाई? तो जब देखिए, जब आप पावर में होते हैं ना, तो आप पूरी मशीनरी आपके पास होती है, आप आउट ऑफ पावर है, हार गए हैं, तो आप कोई योजना नहीं चला सकते हो। अगर कहीं स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की योजना चला देगी, उस स्टेट में लागू हो जाएगी, उसका माइलेज मिल जाता है। तो जब आप पावर में होते हैं तो आपके पास बहुत सारे यूएसपीज होते हैं, एडिशनल चीजें होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जो विपक्षी नहीं कर सकते। और इसीलिए जो है, मैं बोलता हूं कि इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इलेक्शन में हार का मतलब यह नहीं है कि आप अगली बार जीत जाएंगे। एक बार आप इलेक्शन हार गए तो आपको 5 साल के बाद मौका मिलेगा। और इस बीच बीजेपी की एक बड़ी खास बात है, इलेक्शन जीतने के पहले ये जितनी आक्रामक होती है, इलेक्शन जीतने के बाद अपने विपक्षी के लिए ये उससे भी ज्यादा खतरनाक, लेकिन साइलेंट वे में हो जाती है। इसका एग्जांपल आप उन स्टेट्स में देखिए जहां बीजेपी जीती है, धीरे धीरे करके रीजनल पार्टियों को ये साफ करती चली जा रही है, कोई ना कोई एलिगेशन लगा के कुछ करके, जो भी इनकी स्ट्रेटजी होती है। तो इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हो सकता है हारने के बाद आप जीत जाओ, लेकिन इस चीज के मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। बीजेपी छोड़ेगी नहीं, उसके मोडस ऑपरेंडी को समझना चाहिए, उसके नेचर को समझना चाहिए कि ये काम कैसे करती है अकॉर्डिंगली। अगर आप अपने राइवल को, अगर आप अपने प्रतिद्वंदी के स्ट्रेटजी को, कार्य करने के तरीके को, कार्यशैली को नहीं समझते हैं, तो आप अपनी रणनीति कैसे बनाएंगे? तो इतने हल्के में मत लीजिए, आप उनको समझिए और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। और अभी मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता राकेश सिंह जी कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। हमने पहले से ही ये कहा था कि कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने आशीर्वाद दे के स्पष्ट जनादेश देकर स्वागत कर दिया।
कि पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी की कुशल संगठन क्षमता में विश्वास करती है, भरोसा करती है और उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो विकास के आधार पर न सिर्फ चुनाव लड़ता है बल्कि विकास आधारित कार्य करता है। समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चामुंडेश्वरी से सिद्धारमैया हार चुके हैं। बड़ी खबर, इस वक्त की सिद्धारमैया को बड़ा झटका यहां पर लगा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में रुझानों में बीजेपी को 108, कांग्रेस 73 और जेडीएस 39 सीटें। तो सिद्धारमैया हार चुके हैं, एक बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए और सिद्धारमैया के लिए भी, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है और लगातार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये महाकवरेज भी जारी रहेगा और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।